चीका में बढ़ते नशे के कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहे। कुछ समय पहले थाना प्रभारी बलवान सिंह का तबादला चीका से कर दिया गया। आपको बता दें, थाना प्रभारी बलवान सिंह नशे के बिल्कुल खिलाफ थे और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने गोला चीका में नशे को और उसके कारोबारियों को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया था। लेकिन जैसे ही उनकी जगह नए थाना प्रभारी ने कार्यभार चीका का संभाला, पहला ही मामला नशे से जुड़ा सामने आया। छोटी मंडी चीका में परचून की दुकान पर रातों रात ठेका खोलने का मामला सामने आया। जानकारी देते हुए कुछ महिलाओं ने बताया कि शराब के ठेकेदारों द्वारा हमारी परचून की दुकान पर रातों रात ठेका खोल दिया। जब सुबह उन्होंने देखा कि उनकी दुकान पर शराब के ठेकेदारों द्वारा दुकान में शराब रखी है, तो भारी संख्या में महिलाओं ने दुकान से शराब की बोतलें बाहर फेंक दी। सर भी अपनी दुकान देखो जी, सर दही भी अपनी दुकान किराए से दही भी थी किराने वाले ने दुकान अपने रातों रात सानू किसी ठेकेदार वाले को बेच दी। उन्होंने दुकान बेची तो उन्होंने अपना दारू का काम खोल लिया। उस दुकान के दारू दुकान खोली तो सानू सवेरे पता लगे भी थोड़ी दुकान के उत्ते कब्जा हो गया। जब असी आके देखे तो दारू नाल दुकान लद्दी पी भरी पड़ी थी। जद सिंह के जद तो बलवाल सिंह SHO जदे गए ने, जब उन्होंने नशे तो इन्नी उन्होंने एलर्जी थी भी किसी नशा खाण देंदे नहीं ना वो पीन देंदे थे। जितने दिन नवा प्रशासन आया उन्होंने कल तो आया उन्होंने ना तो साड़ी सर अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। ठेकेदार ने की करा तो आप साड़ी दुकान के बिच शराब करके साढ़े उत्ते साढ़े दुकान के उत्ते कब्जा कर लिया। ठीक है, तो क्या चाहिए, क्या होना चाहिए आपका इंसाफ होना चाहिए साढ़े। जब तक असं दोपहर के उरी बैठे हाँ ठेकेदार थों थों से खड़े ने साढ़े थों थों से अपने गड्डिया लिए खड़े ने। असी अपने दुकान के मूहरे पे हाँ सवेर के बैठे हैं साढ़े को प्रशासन साढ़ा कोई भी साथ नहीं दें सा ना साढ़े कोई पुलिस वाला नहीं साढ़े कोई नहीं आ रहा। साढ़े ही बंदे खुद थाने च बैठे ने जी उन्होंने को उन्होंने बच्चों के उत्ते उन्होंने प्रोटेस्ट कर रखे भी आप किसी ने समझौता करो। ठेकेदार नाल मिले ने साडा प्रशासन कोई साथ। ठेकेदार का नाम क्या है? ठेकेदार का बुद्धू है जी। अच्छा, तो वो थाने में पुलिस प्रशासन पर दबाव बना रहा जी। ये ठेकेदार असी ठेका खोलेंगे तो आप रात तक यहीं बैठे रहोगे? हाँ जी, रात तक पूरे बैठेंगे जी। जे प्रशासन नहीं साडा सुनेगी या साडे ते कोई कार्रवाई करेगी असी खुद मिट्टी का तेल पा के बच्चा समेत असी खुद और अपने प्राण दे देंगे जी। दुकान नहीं छोड़ेंगे जी फिर भी असी अपनी। महिलाओं ने ठेकेदार पर दुकान पर कब्जा करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि चीका SHO बलवान सिंह नशे के खिलाफ थे और बलवान सिंह के जाते ही शराब के ठेकेदारों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। यहां तक कि महिलाओं का कहना है कि शराब के ठेकेदार दुकान पर कब्जा करना चाहते हैं, इसी कारण रात के समय भी दुकान पर वह डटी रही। चीका थाने में ठेके को लेकर आरोप है कि चीका थाने में SHO पर ठेकेदार दबाव बना रहा है। इस दौरान जब मीडिया कर्मी थाना प्रभारी चीका कहर सिंह से बात करनी चाहिए तो उन्होंने ठेकेदारों की सुनते हुए मीडिया से दूरी बनाए रखी और ठेकेदारों के साथ बातचीत में व्यस्त रहे। अमन पूरा मामला बताए, क्या मामला था? मैं बाहर था जी गया और इन्होंने मतलब मेरे पास कॉल आई, चौकीदार ने बताया कि रात को बारिश होते हुए 11 बजे करीब इसने अपना सामान उठा लिया जो किराने का काम करता है, जिसको हमने किराए पे दुकान दे रखी थी। अच्छा, उन्होंने अपना सामान उठाया और एक दिन का गैप दे के, मैं बाहर था, मैं दुबई गया था फौरन, आ नहीं पाया कि लो एक दिन का गैप दे के इसने आज सुबह इन्होंने अपना दारू का सामान रख लिया उसके अंदर थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हमारे घर की जो लेडीज थी वो सभी ने दुकान पर आके वो सारा सामान अपना इनका बोरे में पा के और ये बाहर फेंक दिया था। फिर हमने मजबूरन अपना सामान रखना ही था, थर्ड पर्सन को इन्हें अपनी दुकान दी। तो आपने पुलिस को भी जानकारी दी इस बारे में? पुलिस को उससे पहले मैं दरख्वास्त दे के गया था। अच्छा, तो क्या कार्रवाई करी पुलिस ने? पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी भी थाने में पंचायत चल रही है? अभी तक पंचायत चल रही है। किस मामले में लेकर चल रही है? यही वो कह रहे हैं कि फैसला कर लो या इस तरह वाले, मतलब पुलिस इन्होंने जज की परमिशन के बिना अपनी दुकान खाली करके ठेकेदारों को दे दी और बिना किसी बात के इन्होंने रात को दुकान खाली करी, जबकि ये दिन में कर सकते थे, सबके सामने कर सकते थे, इनके मन में बेईमानी था सारा। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए गुलाचिका से राजपाल जिंदल की रिपोर्ट।
ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।